इंदौर में एक बार फिर से रोड निर्माण के कार्य के दौरान नाबालिग बच्चा खेलते समय अचानक से जेसीबी की चपेट में आ जाने के कारण मौत का मामला सामने आया। पुलिस ने पूरे मामले में जेसीबी और जेसीबी चालक को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पूरा मामला हीरानगर थाना क्षेत्र का है, जहां कॉलोनी में रहने वाला 6 वर्षीय बच्चा शिवाल जेसीबी की चपेट में आने से मौत हो गई। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि ड्रेनेज पाइपलाइन का कार्य कॉलोनी में पिछले कई दिनों से चल रहा था और इस दौरान बच्चा घटनास्थल पर खेल रहा था, अचानक से जेसीबी की चपेट में आ गया। जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी चालक को गिरफ्तार करने के साथ ही जेसीबी को जब्त कर लिया गया। घटना के सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसके आधार पर पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। हाँ, एक दुखद घटना संज्ञान में आई हुई है। लाहिया कॉलोनी में कुछ रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसमें से एक जेसीबी मशीन काम कर रही थी, वहीं कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसमें से एक बच्चा जो 6 साल का था वो जेसीबी की चपेट में आ गया है किसी नेग्लिजेंसी के तहत। बच्चे को MIH में रखा गया है और बाकी उम्र कायम करके उसकी जाँच की जा रही है। नहीं, जेसीबी मशीन और चालक दोनों पुलिस अभिरक्षा में हैं, थाने पर रखे गए हैं और बाकी हमारी जांच जारी है। अब बाकी अभी चूंकि प्री स्टेज में, अभी संज्ञान में घटना आई हुई है, रोड का काम चल रहा था ऐसा भी बात पता लगी हुई है और शेष सारे तथ्य जुटाए जा रहे हैं। बच्चे के नाम का भी खुलासा अभी नहीं हुआ है और हमारी टीम वहीं पर है, जो भी अपडेट मिलता है और आपको बताया जाएगा। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।